हेलो फ्रेंड्स, इसके कुलिनरी आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोहे का रेसिपी चिवड़ा। ये रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी एंड स्पाइसी होने वाली है, तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज़ की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की रेसिपी चिवड़ा। पोहे का चिवड़ा रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो चिवड़ा ले लिया है। देखिए एकदम इसको छान कर अच्छा एक तो सूखा कपड़ा से पोंछ के रखा है। और ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, काजू, आलमंड और ये सिंगदाना लिया है, पीनट्स, किशमिश लिया और नारियल लिया। ये सूखा नारियल नहीं लिया मैंने, मेरे पास नारियल था, इसको काट के थोड़ा धूप में अच्छा से सूखा लिया धो के। और थोड़ा मसाला लिया। अभी देखिए एक एक करके फ्राई करना होगा सब, जितना ड्राई फ्रूट्स लिया। और ये चिवड़ा जो है हम फ्राई करके ही बनाएगा। लास्ट ईयर में मैंने ये चिवड़ा शेयर किया था, वो सेक के किया था रोस्ट करके, और ये दूसरा टाइप का करेगा। ये भी बहुत टेस्टी होता है, तो थोड़ा फुल वीडियो देखिएगा, आप लोग साथ में रहिए। और देखिए अभी हम पीनट्स लिया है और नेट के साथ ही हम करेगा, तो फिर नहीं फैलेगा ना, ऐसे छोड़ देने से कि चारों तरफ फैल जाता है। ये थोड़ा टाइम लगता है पीनट्स को, 2-3 मिनट तो लग ही जाएगा। ये पीनट्स पूरा हो गया, कलर भी चेंज हो गया और जो हो जाता है ना थोड़ा फट फट जाता है, तो ये अभी उठा लिया, इसको एक साथ रखने पड़ेगा। मैंने काजू ले लिया, उसको बीच से छील लिया। काजू तो ज़्यादा टाइम नहीं रखेगा, थोड़ा जस्ट कलर चेंज होगा। ये काजू भी हो गया। आलमंड ले लिया, उसको भी बीच से छील लिया। आलमंड भी हो गया फ्राई। रोस्टेड चना ले लिया, चना भी तैयार हो गया। बहुत जल्दी हो जाता है ये जो रेसिपी है ना, बहुत जल्दी हो जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है, इतना क्रिस्पी होता है। थोड़ा नारियल ले लिया, नारियल भी हो गया एकदम ब्राउन हो गया, क्रिस्पी हो गया। ये ड्राई नारियल ही देता है, पर मेरे पास तो एकदम ताज़ा नारियल था, तो इसलिए मैंने इसको ही काट के थोड़ा धूप में सुखाया, एकदम मस्त हो गया। अभी देखिए किशमिश ले लिया, किशमिश भी जल्दी हो जाएगा, ये बहुत जल्दी फूल जाएगा, थोड़ा रखने से फूल जाएगा। पोहे को ले लिया, अभी इसको थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तेल एकदम गर्म है। देखिए कितना अच्छा फूल गया, इसी करके थोड़ा थोड़ा करके, कितना क्रिस्पी हो गया, देखिए कितना डबल हो गया फूल के। थोड़ा ले लिया, जस्ट ऐसे रखेगा तो बस हो गया, देखिए कितना अच्छा फूल गया और इतना क्रिस्पी एंड क्रंची होता है, खाने में तो टेस्टी ही होता है बहुत। ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि इसको वाइट ही रखना है, फिर मसाला डालना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम रहने से फिर जल जाएगा। ऐसे करके सब जितना है 500 ग्राम चिवड़ा है उसको पूरा ऐसे करके फ्राई कर लेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाती हूँ। देखिए पोहा को पूरा से ये फ्राई कर लिया,
एकदम पूरा हो गया, फूल गया। अभी सब एक एक करके मसाला देना ही होगा। जितना ड्राई फ्रूट्स को किया था वो भी इसके साथ मिक्स कर देना। एक मसाला तैयार करना होगा। ये जो मसाला, इसको पूरा अच्छे से पहले मिक्स करना होगा, फिर हम मसाला रेडी कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा कड़ी पत्ता भी दे फ्राई किया और 6-7 ग्रीन चिली भी दे दिया। कड़ी पत्ता देना ज़रूर, क्योंकि बहुत सेंट होता है, अच्छा सेंट होता है। और इसमें हम थोड़ा मसाला बना रहा भी। 2 चम्मच देखिए रेड चिली पाउडर लिया, जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर होता वो लिया है, क्योंकि उसमें तो हम ग्रीन चिली दिया है, इसलिए ज़्यादा तीखा नहीं करने का। 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर लिया। एक चम्मच हल्दी पाउडर। 2 चम्मच सौंफ को मैंने थोड़ा रेस्ट एकदम ड्राई रोस्ट किया करके उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, वो भी दे दे रहा। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच जीरा पाउडर। 1 छोटा चम्मच हींग। स्वाद अनुसार नमक दे दे रहा इसमें, और मसाला में नमक नहीं दिया। मसाला को अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर से दे देगा। देखिए मसाला इसके ऊपर से दे देगा। बहुत अच्छे से मिक्स करना होगा, तभी कलर आएगा। हाथ से अच्छे से मिक्स करना होगा, क्योंकि अभी गर्म है ना, तो अभी ठीक से मिक्स हो जाएगा। अभी इसमें 2 चम्मच शुगर पाउडर देगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मीठापन चाहिए। बहुत टेस्टी होता है शुगर पाउडर देने से। अब इसको अच्छे से मिक्स करना होगा। अभी आप लोगों को प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए स्नैक्स चिवड़ा एकदम तैयार हो गया, एकदम क्रिस्पी क्रंची हुआ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे बना, क्योंकि ये खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। आज दिवाली के अभी अवसर में सब घर में डेली कुछ ना कुछ स्नैक्स तो बनता ही है। आप लोगों के साथ डेली शेयर करूँगी, और आप लोग साथ में रहिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए बहुत जगह। फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।